सो ये है 2021 का मोस्ट पॉपुलर आईफोन, आईफोन 13 प्रो। एंड जब ये लॉन्च हुआ था तो पूरा 1 लाख के पार लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी जो इसकी सेकेंड प्राइस है वो सीधी आधी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में यही इन डेप्थ नॉलेज तरीके से जानेंगे कि क्या आपको आईफोन 13 प्रो को 2024 में सेकेंड हैंड लेना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। मैंने इसकी टेस्टिंग में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो इसकी गेमिंग हो, परफॉर्मेंस हो, बैटरी हो, इवन कैमरास को भी बहुत ऑनेस्ट तरीके से इस वीडियो में बताया है। चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको सेकेंड हैंड आईफोन्स के इनडेप्थ रिव्यूज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, जो कि है इसके कैमरास। आईफोन 13 प्रो में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड है, एंड 12 मेगापिक्सल का ही आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप लिटरली DSLR टाइप फोटो ले पाओगे। देखो, नॉर्मल शॉट्स काफ़ी कमाल के आते हैं, डिटेल्स मस्त आ जाती है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी काफ़ी तगड़ी हो जाती है, इवन स्किन टोन भी सही से मैनेज कर लेता है। मैंने अपोजिट सनलाइट में भी बहुत फोटो क्लिक करे थे, यहाँ पर भी लाइट मैनेजमेंट अनबीटेबल है। बैक में ज्यादा लाइट होने के बाद भी सब्जेक्ट ज्यादा डार्क नहीं होता है। ओवरऑल लाइट कंट्रोल 13 प्रो का A1 है। वहीं अगर आप चाहें तो इससे प्रोरेस वाले रॉ फोटो भी ले सकते हैं, जो कि ओनली फोटोग्राफर के ज्यादा काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉ फोटो में डिटेल्स कमाल की आती हैं। आफ्टर एडिट फोटो का नक्शा ही बदल जाता है। ये शॉट भी मैंने आईफोन 13 प्रो से ही लिया था। वहीं इंडोर में भी आईफोन 13 प्रो बढ़िया काम करता है, इवन नाइट में भी मैंने कुछ शॉट्स लिए थे, यहाँ पर भी बेहतरीन फोटोज आ जाते हैं, डिटेल्स मस्त आती है, कलर्स हुई, स्किन टोन मैनेजमेंट हुआ, सब आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। वहीं जो पोर्ट्रेट शॉट्स है उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि आप 13 प्रो से 3x ऑप्टिकल जूम करके फोटो ले सकते हो, एंड यकीन मानिए शॉट्स किसी DSLR से कम नहीं आते हैं। ऐसे पोर्ट्रेट शॉट्स आईफोन से ही आ सकते हैं। बैकग्राउंड में नेक्स्ट लेवल का ब्लर हो जाता है, एज डिटेक्शन ऑप्टिकल जूम से बहुत एक्यूरेट आती है, स्किन टोन भी बहुत तगड़ी रहती है, इवन कलर्स भी आपको नेक्स्ट लेवल के मिल जाते हैं। आईफोन 13 प्रो के साइड बाय साइड मैंने आईफोन 15 को भी कंपेयर करा था। आईफोन 15 में टेलीफोटो नहीं है, वो सिर्फ 2x डिजिटल जूम करके फोटो लेता है, जो कि आईफोन 13 प्रो के पोर्ट्रेट के सामने काफी फीके लगते हैं। अगर आपको यहाँ पर तगड़े पोर्ट्रेट शॉट्स का मजा लेना है तो आप आग बंद करके आईफोन 13 प्रो को 2024 में कैमरा रिकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं अल्ट्रा वाइड शॉट्स की, तो 12 मेगापिक्सल जैसी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, कलर्स बढ़िया जाते हैं, इमेज शार्प आती है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी मस्त है, फील्ड ऑफ व्यू भी आपको ज्यादा ही मिलता है। वहीं मैं अगर बात करूं वीडियोस की, तो मैक्स आप 4K 60fps पर वीडियो बना पाओगे, क्वालिटी इसकी भी काफ़ी तगड़ी आ जाती है, वीडियो में डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी काफ़ी सही है, वीडियो में डिटेल्स मस्त आ जाती है, फोकसिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट है। वहीं जो स्टेबलाइजेशन है वो तो आपको अनबीटेबल ही देखने को मिलने वाला है। आप 13 प्रो से 1080p पर सिनेमेटिक वीडियो भी बना सकते हो, इसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। रील्स बनाने का शौक रखते हो तो बैकग्राउंड ब्लर वाली रील्स आपकी अच्छी बन जाएगी। वहीं व्लॉगिंग करने में भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसके अल्ट्रा वाइड से भी 4K 60fps पर वीडियो बन जाती है, जो कि अगेन आप अपनी व्लॉगिंग में यूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, सेल्फी अच्छी आ जाती है, सेल्फी में डिटेल भी मस्त होती है, कलर स्किन टोन मैनेजमेंट सब बढ़िया है, इवन पोर्ट्रेट सेल्फी में भी यही कहानी है, बैकग्राउंड में ब्लर मस्त होता है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल में भी कोई इशू नहीं है। वहीं जो वीडियो है आप फ्रंट कैमरे से 4K 60fps बना पाओगे, क्वालिटी इसकी भी नेक्स्ट लेवल मिल जाती है, स्टेबलाइजेशन तगड़ा आता है, कलर्स भी आपको यहाँ पर शानदार मिल जाते हैं। वहीं फ्रंट कैमरे से आप सिनेमेटिक वीडियो भी शूट कर सकते हो 1080p पर, उसकी क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप फ्रंट कैमरे से अच्छी वीडियो बनाना चाहते हो, शॉर्ट्स या रील्स बनाना चाहते हो, तो आप आईफोन 13 प्रो से बहुत ही तगड़ी वीडियो शूट कर पाओगे। ओवरऑल आईफोन 13 प्रो के कैमरास को मैंने जितना भी यूज़ करा है, ये आईफोन 15 की कैमरा क्वालिटी को ईजिली बीट कर देता है। बाकी का अगर आपको भी जानना है कि इसके कैमरास कैसे हैं, तो जितने भी शॉट्स हैं सब मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आप खुद भी जाके बारीकी से चेकआउट कर सकते हो। वहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्राइस रेंज में आईफोन 13 प्रो सेकेंड हैंड मिल रहा है, उस प्राइस रेंज में ऐसी कैमरा क्वालिटी मिलना मुश्किल है। एक चीज और आपको इस फोन में 2 साल बाद भी बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है, जो कि आईफोन 13 प्रो की परफॉर्मेंस। इसके अंदर आपको बायोनिक A15 चिप मिल जाती है, जो कि एप्पल की खुद की चिप है, 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। एप्पल की चिप की खास बात यह है कि 4-5 साल तक फोन परफॉर्मेंस के मामले में कोई इशू नहीं करता है, एप्लीकेशन आज भी फटाफट ओपन हो जाती है, एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मैंने इसे लेटेस्ट आईफोन 15 से भी कंपेयर करा था, ऐप ओपनिंग में बस कुछ सेकंड का ही फर्क है। फोन आपका कितना भी भरा हुआ हो, परफॉर्मेंस आपको कनाकन ही मिलने वाली है। इवन इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज भी मिल जाता है, एप्पल के 120 हर्ट्ज की बात ही अलग है। फोन यहाँ पर पानी की तरह चलता है, स्क्रोलिंग स्पीड हुई, ऐप स्विचिंग हुई, जनरल यूसेज हुआ, सब आपको रपरप ही मिल जाएगा। बाकी का इसकी खतरनाक परफॉर्मेंस का राज है इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। आईफोन 13 प्रो iOS 15 के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी करंटली लेटेस्ट iOS 17 पर है, एंड इसको iOS 18, 19, 20, इवन 21 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा।
तो ये फोन आज भी आपको बहुत ही ज्यादा फ्यूचर प्रूफ देखने को मिल जाता है। वहीं मैंने iPhone 13 Pro में मल्टीटास्किंग टेस्ट भी करा था। इसके अंदर 6GB की LPDDR4X रैम लगी हुई है एंड ये आराम से 8 से 10 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रख लेता है। यकीन मानिए एप्पल की जो 6GB रैम रहती है वो एंड्रॉइड की 12GB की रैम के बराबर पावरफुल होती है। बाकी का जो ऐप स्विचिंग है वो तो आपको स्मूथ ही मिल जाएगी। परफॉर्मेंस यहाँ पर याद आया गेमिंग का, तो मैंने iPhone 13 Pro में दबाकर गेमिंग भी करी है। मैंने इसमें बहुत देर तक BGMI खेला है। मैक्स सेटिंग आपको 90 FPS वाली देखने को मिल जाती है। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस पर आप गेम खेल पाओगे। रिएक्शन टाइम हुआ, कैमरा मूवमेंट हुआ, सब आपको फ्लैगशिप टाइप ही मिलने वाला है। इवन जायरो में भी कोई लैग नहीं है। अगर आप एक कोर गेमर एंड हार्डकोर गेमिंग करने के लिए फोन लेने का सोच रहे हैं तो iPhone 13 Pro एंड्रॉइड के अच्छे खासे महंगे गेमिंग फोन को BGMI परफॉर्मेंस में बीट कर देगा। बस शर्त यह है कि iPhone 13 Pro को सेकेंड हैंड लेते टाइम इसकी बैटरी को अच्छे से चेक कर लेना। इस फोन के अंदर आपको 3095 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। हमारे पास जो फोन है उसके अंदर 85% बैटरी चलते हैं एंड ये बैटरी ओरिजिनल है। इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको कैमरा को ओपन करना है, 500 शॉट्स लेने। अगर 1-2% बैटरी गिरती है तो बैटरी में दम है। वहीं अगर 4% गिर जाती है तो समझ लेना यहाँ पर बैटरी में दम नहीं है, आपको उस फोन को स्किप करना है। और तो यहाँ पर जब बैटरी ओरिजिनल रहती है तो फोन की बैटरी बहुत अच्छी चलती है। हमारा फोन आराम से पूरा एक दिन नॉर्मल एज वेल एज थोड़ी सी हैवी यूसेज में इजिली निकाल देता है। बाकी का आपको पता ही होगा कि मार्केट में एक टूल चल रहा है जिससे लोग अपनी बैटरी हेल्थ को बूस्ट करके फोन को सेल आउट कर देते हैं। उससे आपका सिर्फ बैटरी परसेंटेज ही बढ़ता है, बैटरी की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है। उसको चेक करने के लिए सिंपली 3U टूल्स अपने PC में इंस्टॉल कर लेना, फोन को कनेक्ट करना। अगर बैटरी परसेंटेज सेम दिखाता है फोन में एज वेल एज 3U टूल्स में तो बैटरी बूस्टेड नहीं है। वहीं अगर 1% का भी मिसमैच आता है तो आप समझ लेना यहाँ पर बैटरी बूस्टेड है। तो इस चीज का आपको सेकेंड हैंड फोन लेते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं, फोन यहाँ पर 20W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर लेता है। 1 घंटे 45 मिनट लगते हैं फोन को फुल चार्ज होने में। मैं यहाँ पर 10W से फोन को चार्ज करता हूँ जो कि 2 घंटे मेरे पूरे फोन को चार्ज कर देता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं iPhone 13 Pro के खूबसूरत डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.1 इंच का एक सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है। रेजोल्यूशन इसका काफ़ी हाई है जिसके कारण वीडियो क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल की मिल जाएगी। HDR वीडियो प्लेबैक काफ़ी तगड़ा हो जाता है, कलर्स काफ़ी बेहतरीन आते हैं, व्यू एंगल्स भी आपको कमाल के देखने को मिल जाते हैं। इवन जो वीडियो में शार्पनेस है वो भी नेक्स्ट लेवल की आती है। मैंने इसके डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा HDR मूवीज़ देखी है, क्वालिटी आपको अनबीटेबल मिलने वाली है। बिकॉज एक तो इसकी जो इंडोर ब्राइटनेस है वो 1000 nits की है जिसके कारण डिस्प्ले इंडोर में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फील होता है एंड HDR कंटेंट देखने में बहुत ही ब्राइट वीडियो चल जाती है। वहीं आउटडोर में भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है। डायरेक्ट सनलाइट में भी फोन को यूज़ करोगे तो अच्छा खासा विजिबल रहता है। वहीं जो 13 Pro के स्पीकर्स है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी रिच है, डुअल स्टीरियो स्पीकर से साउंड आपको बेहतरीन लाउड एंड क्रिस्प देखने को मिल जाएगा। देखो लुक एंड प्रेफरेंस अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि iPhone के 3 cameras वाले फोन का स्वैग ही अलग होता है। आप iPhone 13, 14, इवन iPhone 15 को भी यूज कर लो, लेकिन 13 Pro जैसी प्रीमियम फील आपको नहीं मिलने वाली है। iPhone 13 Pro आज 2024 में भी काफी प्रीमियम लगता है एंड करंटली लेटेस्ट iPhone 15 Pro से भी इसको कंपेयर करोगे तो एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है। अगर 13 Pro के बैक पैनल में भी टाइटेनियम की स्किन लगा ली तो वो भी आपको 15 Pro जैसी फीलिंग ही दे देगा। वैसे iPhone 13 Pro मजबूती के मामले में भी काफी ज्यादा सॉलिड है क्योंकि इसका फ्रेम आपको स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है। होल्ड करने पर एक अलग ही रिच एंड प्रीमियम फीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बस इसकी एजेस है वो थोड़ी शार्प है तो कवर इस पर लगा लेना। वैसे फ्रंट साइड आपको सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, फोन आपका गिरने से तो नहीं टूटेगा, लेकिन जो इसका डिस्प्ले वो बहुत जल्दी स्क्रेचेस ले लेता है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इस पर टेम्पर ग्लास भी जरूर से लगवा लेना। बाकी का पोर्ट्स में हेडफोन जैक गायब है, सिम ट्रे में आप ओनली एक ही 5G सिम लगा पाओगे, सेकेंडरी सिम आपको ई सिम करवानी पड़ेगी। बाकी का 5G के सारे बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में जो एयरटेल एंड जियो का फ्री 5G चल रहा है उसका मजा आप उठा पाओगे। वहीं iPhone 13 Pro IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ भी आता है तो आप इसको पानी में लेकर कूद सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको पानी से दूर ही रखना। आप यहां पर 13 Pro सेकेंड हैंड लोगे एंड अगर वो पहले से ही खुला हुआ होगा एंड गलती से भी वाटर डैमेज हो जाता है तो आपका अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा। वहीं जो सिक्योरिटी है उसके लिए फेस आईडी है, काफी ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। इसकी वाइब्रेशन मोटर भी काफी कमाल की है, टाइप करते टाइम आपको मस्त ठकठक वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि क्या आपको iPhone 13 Pro को 2024 में सेकेंड हैंड बाय करना चाहिए या इस फोन को स्किप करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर iPhone 13 Pro को मैंने जितना भी यूज़ करा है आज भी ये चलने में तूफान की तरह चलता है। डिस्प्ले में 120Hz है जो कि एक अलग ही चीज़ हो जाती है। वहीं कैमराज में आपको 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है जिससे बहुत ही तगड़े पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं। वहीं गेमिंग में भी ये 90 FPS को सपोर्ट कर लेता है। इवन इसके जो लुक्स हैं आज भी काफ़ी प्रीमियम है। ओवरऑल iPhone 13 Pro 2024 में किलर डिवाइस है। मैं इसे
आईफोन 14 इवन आईफोन 15 से भी बेटर मानता हूँ। आप 2024 में आईफोन 13 प्रो को आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हैं, बट जब सेकेंड हैंड लो तब आंख बंद मत करना। फोन को सेकेंड हैंड लेते टाइम बहुत अच्छे से चेकआउट कर लेना, उसकी बैटरी परसेंटेज को देख लेना, बैटरी बूस्टेड है कि नहीं, 3U टूल्स में लगा कर देख लेना, कैमरा शॉर्ट्स करके देख लेना कि बैटरी ज़्यादा तो नहीं गिर रही, स्पीकर्स को चेक कर लेना, ईयर पीस चेक कर लेना, डिस्प्ले चेक कर लेना। बाकी का और गहराई से जानना है तो ये वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने हर एक छोटी चीज़ बताई है। और तो अगर सेकेंड हैंड आईफोन 13 प्रो की प्राइस की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 53,000 रुपीज़ निकल कर आती है, उससे ज़्यादा इसमें पैसे मत डालना। वैसे इसका बेस वेरियंट 128 GB है जो कि आराम से आपको 50,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 15 में कन्फ्यूज हो तो ये वाली वीडियो देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आई होप आज की इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। 13 प्रो को लेकर और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।